हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं रिलेटेड थोड़ा टॉपिक निफ्टी रिलेटेड बता रहा था, जिसमें अगर कोई ट्रेड करता है निफ्टी में, ठीक है, ऑप्शंस में, तो आप क्या बेसिस देख के ट्रेड करते हैं, ठीक है। या तो आप कॉल लोगे या तो पुट लोगे, ठीक है। जो भी ट्रेड करता है, तो पहले बात तो ये समझ लीजिए कि अगर कोई ट्रेड करता है नेकेड, ओके, तो वो काफ़ी रिस्की होता है, ठीक है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे आप देख रहे हो कि स्पॉट प्राइस चल रहा है 14,631, ओके। तो अगर आप इसकी एट द मनी की कॉल ऑप्शन या आउट ऑफ द मनी का मतलब मैं समझा देता हूँ। आउट ऑफ द मनी वो होता है अगर 14,700 जो मतलब स्पॉट प्राइस अभी चल रहा है 14,631 और आउट ऑफ द मनी है 14,700, ठीक है। तो मतलब वो एकदम नियर नहीं है स्पॉट प्राइस से, वो काफ़ी दूर है, मतलब 70 पॉइंट दूर है। और अभी एकदम अभी इसकी एट द मनी की जो कॉल ऑप्शन होती है वो 14,650 के करीब होती है, मतलब उसके करीब वाला, एकदम नियर बाय वाला जिसको अपन बोलते हैं, उसको एट द मनी बोलते हैं, ओके। और इन द मनी मतलब 14,600 हो गया। तो 14,600 जो लेवल है और स्पॉट प्राइस अभी चल रहा है 14,631, इसका मतलब क्या हो गया, तो इन द मनी का अगर कॉल ऑप्शन अगर आप लेते हैं, ओके, तो उसमें मूवमेंट ज़्यादा फास्ट होता है क्योंकि वो अंदर अंदर है, राइट, ओके। तो हर एक वीक में मतलब एक महीने में 4 एक्सपायरी होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ये एक्सपायरी आपकी 6 मई को वो ख़त्म हो जाएगी। इधर आप राइट हैंड साइड में देखिए 160 का प्रीमियम जो दिखा रहा है वो पुट ऑप्शन है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो दिखा रहा है वो 182 जो वो है कॉल ऑप्शन। अभी आप इसकी ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कॉल ऑप्शन का, 14,600 प्लस 182 अगर आप करते हो तो आपकी जो कॉस्टिंग आती है वो आती है 14,782 का, ओके। तो जब तक ये 14,782 के ऊपर नहीं जाता ये 6 मई के पहले, ओके, तो आपका ये जो प्रीमियम है, अगर ये 14,600 में बंद हो गया तो ये पूरा प्रीमियम आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रॉफिट है वो स्टार्ट कब होगी, वो स्टार्ट होगी 14,782 के ऊपर। तो लोग क्या करते हैं, जो नेकेड कॉल लेते हैं, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इधर क्या है, जब आप कोई भी चीज़ लेते हो, ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि मार्केट में कोई न्यूज़ आने वाला है या अगर उसमें मूवमेंट काफ़ी है, उस अगर अगर वॉलेटिलिटी एकदम हाई है, तब आप कैरी कर सकते हैं पोजीशन, जो मैं एडवाइस नहीं करूँगा, ठीक है। लोग यही गलती करते हैं, जो लोग कैरी करते हैं पोजीशन उनके लिए बहुत रिस्की हो जाता है, वो लोग ऑप्शन में बहुत पैसा तोड़ते हैं, मतलब ऑब्वियसली पूरा पैसा उनका चला जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी रिस्की है ट्रेडिंग। जो भी ट्रेड करता है वो अगर ट्रेड करते हो तो आप इनर डे ट्रेड करो, मोमेंट के हिसाब से करिए और स्टॉप लॉस लगा के करिए आपकी रिस्क एपेटाइट के साथ। आप कभी भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को कैरी मत करना अनलेस एंड अनटिल कोई न्यूज़ आने वाला है या अगर स्टॉक में मोमेंट है या अगर आपको लग रहा है, जैसे बजट है था, ठीक है, बजट में आपको पता है कि हाँ कल बजट है, ठीक है, या अगर आपको पता है कि कुछ इलेक्शन का न्यूज़ है, ओके, तो आपको पता है कि वॉलेटिलिटी उतनी फास्ट रहेगी, 400 पॉइंट, 300 पॉइंट, 200 पॉइंट जो भी है, ठीक है, तो तब आप नेकेड कॉल को कैरी कर सकते हैं। अगर आप कैरी करते हैं विदाउट एनी न्यूज़ और एनीथिंग, तो वो आपके लिए रिस्की हो जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ, क्योंकि मोमेंट अगर जब तक वो नहीं आएगा उतना फास्ट, तो आपकी प्रीमियम धीरे धीरे घटेगी। क्या होता है, यूजुअली जब ये थर्सडे ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट थर्सडे का आप कैरी करोगे, सैटरडे संडे छुट्टी होता है, ओके, मंडे को मार्केट अगर फ्लैट रहता है तो प्रीमियम आपका 182 वाला वैसे भी आपको 162 में खुलेगा, ओके, 162 या 152 के मार्केट के हिसाब से, ओके। तो धीरे धीरे जो इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब आपकी जो चेंज ऑफ जो प्राइस की वॉलेटिलिटी होती है वो हाई होनी चाहिए, ओके, तभी आपकी जो मूवमेंट है वो फास्ट होगा। अगर वो कम होगा तो ऑब्वियसली आपको पैसा जाएगा, ओके। तो लोग क्या करते हैं, यही गलती करते हैं, आप कैरी मत करिए कोई भी चीज़ ऑप्शंस में। आप जब ट्रेड करते हैं, एक्सपायरी के दिन भी आप ट्रेड करते हो, तो आप उसको स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करना। आप नेकेड कभी भी ऑप्शन को कैरी मत करना गाइस,
ओके, ये काफ़ी लोग गलती करते हैं। आप इसकी ब्रेक इवन को पहले समझिए कि इसमें क्या होता है, ओके। दूसरी चीज़, अभी आप पुट ऑप्शन का ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे आप कॉल ऑप्शन की ब्रेक इवन आती है 14,782 का, तो कॉल पुट ऑप्शन का 14,600 माइनस 160 आप जब करते हैं, ओके, तो ये आपकी ब्रेक इवन कॉस्टिंग हो जाती है। तो आप ये समझिए कि जब आप ट्रेड करते हैं, आप कभी भी पोजीशन को कैरी मत करिए जब तक अनलेस एंड अनटिल आप कॉन्फिडेंट हो, ओके, नहीं तो आपका पैसा जाने का चांसेस ज़्यादा है नेकेड कॉल में। आप दूसरे तरीके से उसको हेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आपकी रिस्क एपेटाइट है 50 रुपये की, ठीक है, आप 50 रुपये आप बर्दाश्त कर सकते हैं, हाँ ठीक है, मैं 50 रुपये का लॉस ये कर सकता हूँ, तो आप इसमें देखिए, जैसे कि 14,600 दिख रहा है, आप 14,700 का कॉल ऑप्शन को सेल कर दीजिए, 14,600 का कॉल बाई कर लीजिए, ठीक है। तो इसकी कॉस्टिंग क्या होगी अगर 14,782 के ऊपर नहीं गया, ओके, 82 के ऊपर नहीं गया, तो ये प्रीमियम कहीं ना कहीं आपकी जो भी जो प्रीमियम है वो आपको एटलीस्ट ये 14,700 वाला ज़ीरो हो जाए। मतलब एक एग्जांपल ले लीजिए कि 14,600 पे अगर क्लोज करता है निफ्टी, ओके, तो क्या होगा, ये 182 प्रीमियम आपका पूरा ज़ीरो हो जाएगा, पर 14,700 जो वाला प्रीमियम है वो आपके पूरा पॉकेट में आ जाएगा, क्योंकि आपने शॉर्ट किया है उसको और ये आपने बाई किया, तो आपकी रिस्क जो है वो सिर्फ 50 रुपये की है, ठीक है। तो ऐसा आप कुछ कर सकते हैं जिसमें अगर आपको पैसा चाहिए तो आप कम पैसा लीजिए, पर एग्रेसिव ट्रेडिंग मत करिए कोई भी चीज़ में, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था गाइस, मैंने ऑप्शन रिलेटेड हेजिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप लोगों को समझाया है। आप जब ट्रेड करते हैं तो कभी भी आप नेकेड कैरी मत करना, आप आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल करना, आप जब कोई इन द मनी का कॉल ऑप्शन लेते हैं और आपको लगता है कि वॉलेटिलिटी आने वाली, तो आप ऐसा ट्रेड करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके या थोड़ा बहुत लॉस करके निकल सकते हैं, ओके, आप ठीक है। और एनीथिंग मेरे एंड से अगर आपको कुछ और व्यूज़ चाहिए कमेंट्स में आप डालिए गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच।